नमस्कार, लेट्स टॉक पीरियड्स के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। लास्ट एपिसोड में हमने पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज के बारे में बात कर ली थी। वही सेम टॉपिक कंटिन्यू करते हुए आज हम वही डिस्कस करेंगे इन डिटेल। यहाँ पे मेरे पास जैसे लास्ट टाइम भी दिखाया था पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, हमने जैसे बात किया था कि ओवरीज या अंडकोशी में पानी की गांठ होना, ये आप देख सकते हैं, ये नॉर्मल ओवरीज है। और ये बहुत सारे ये ब्लैक ब्लैक वाले गांठ वाली, ये देखिए, ये नॉर्मल ओवरीज है और ये पॉलीसिस्टिक ओवेरी। बट ये तो हमें सोनोग्राफी पे समझेगा। जैसे बात किया था हार्मोनल इम्बैलेंस होना, पीरियड्स इरेगुलर होने, तो वो होता क्यों है, आज हम उस बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये ओवरीज में पानी की गांठ होने की वजह से अपने बॉडी में जो हार्मोन होता है या जो सिग्नल देता है, जो हर महीने में पीरियड्स आते हैं उसके लिए, वो सिग्नल लेने में और इंटरप्रेट करने में प्रॉब्लम होने लगती है। इसको हम एनोव्यूलेटरी साइकिल्स भी बोलते हैं। मींस जैसे हमने बात किया था पहले फर्स्ट एपिसोड में कि वो अंडा फूटना, उसके बाद वो प्रेगनेंसी रुकना, ये पॉलीसिस्टिक के टाइम पे वो अंडा फूटता ही नहीं है, अंडा बड़ा होता है और फिर वहीं का वहीं रह जाता है। उसके वजह से हर महीने अंडे बनते रहते हैं लेकिन वो फूटते नहीं हैं। उसके वजह से बॉडी को सिग्नल नहीं मिलता कि उनको ब्लीडिंग चालू करना है या MC आना है। उसके वजह से ये लाइनिंग जो मेंस्ट्रुअल की MC की लाइनिंग है, गर्भाशय की लाइनिंग है, वो भी मोटी हो जाती है। यही सब हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से 2 महीने 2.5 महीने तक ब्लीडिंग नहीं होता। उसके बाद भी ब्लीडिंग होने के टाइम पे भी बहुत कम ब्लीडिंग होता है, एक ही दिन के लिए ब्लीडिंग होता है, हार्डली सिर्फ स्पॉटिंग होता है। ये उसकी वजह से है। और एक सबसे कॉमन जो पॉलीसिस्टिक में होता है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब है हम कितना भी कोशिश कर रहे हैं, हमारा वज़न कम नहीं हो रहा है, हम कुछ खा पी नहीं रहे फिर भी वज़न बढ़े जा रहा है, बॉडी में लथार्जी या सुनपन आ रहा है, उसे हम ये बोलते हैं। अभी पॉलीसिस्टिक तो बहुत सुन लिया, उसकी वजह से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होती है या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। सो पॉलीसिस्टिक की वजह से एक सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट जो हमने बोला है या उसका कॉम्प्लिकेशन है, पीरियड्स नहीं आना। सेकेंड है बिकॉज ये ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है या अंडा नहीं फूट रहा है, प्रेगनेंसी में बहुत डिफिकल्टी होती है। थर्डली हम कितनी भी कोशिश कर ले वज़न बढ़ रहा है। तो इसे हम कैसे प्रिवेंट करेंगे? लास्ट टाइम भी हमने बात किया था कि यस, हमें एक्सरसाइज करनी है, कोई भी फॉर्म की एक्सरसाइज, जिम है तो जिम करना है 1 घंटे का, जुम्बा कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, वॉक पे जा सकते हैं 1 घंटा, लेकिन यस, हफ्ते में कम से कम 5 दिन 1 घंटे के लिए हमें व्यायाम या एक्सरसाइज करना है। प्लस खाने पीने में कंट्रोल करना है, तला हुआ नहीं खाना है, मिर्ची वाला नहीं खाना है, मैदा नहीं खाना है, हो सके उतना ज़्यादा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हरी सब्ज़ी हमारे डाइट में इंक्लूड करनी है, ब्रेड पाव बड़ा पाव वो सब नहीं खाना है, मिठाइयाँ बंद करनी है, स्वीट्स नहीं खाने हैं, शक्कर हम चाय कॉफ़ी में डाल रहे हैं वो भी नहीं लेना है, आइसक्रीम चॉकलेट सब बंद करना है। उसकी वजह से तो फिर हमारा थोड़ा बैलेंस होगा, हार्मोनल इन ट्रैक आएंगे, ये तो हम सब कर सकते हैं। बट अगर मेरे को पॉलीसिस्टिक हो गया तो सिर्फ इतना करना काफ़ी नहीं है, आई विल नीड ट्रीटमेंट। बट यस, हम प्रिवेंट करने के लिए या उतना हाई लेवल तक नहीं पहुंचने के लिए हमारी ये लाइफस्टाइल चेंज करनी है। 10 घंटा 12 घंटा एक जगह पे नहीं बैठना है, हम पढ़ाई भी कर रहे हैं या काम भी कर रहे हैं, हर 2 घंटे बाद 10 मिनट वॉक कीजिए। अभी तो सबके पास वो फिटबिट है 10,000 steps पर डे वाला, उसकी यही इफ़ेक्ट है। आप ट्राई कीजिए, बहुत ईजी लग रहा है 10,000 steps, नहीं होता। हम एक एक्सरसाइज करते हैं, ये 15 दिन में आप सब, फ़ोन तो सबके पास है अगर वो फिटबिट भी नहीं है तो, उसमें 10,000 steps एवरी डे का मार्क कीजिए।
फ़ोन के बिना तो हम आजकल कहीं जाते ही नहीं, तो ऐसा भी नहीं है कि मैंने फ़ोन रख के मैं वॉक पे गई थी, पॉसिबल ही नहीं है। ट्राई कीजिए, ये 15 दिन में एक ही आपका काम है, डेली 10,000 स्टेप्स करने हैं। नेक्स्ट एपिसोड में कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है और क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं हम, उस बारे में बात करें।